वहीं चरखी दादरी जिले में पीने के पानी की समस्या भयानक बनी हुई है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं महंगे दामों पर पानी लेने को मजबूर होना पड़ता है। पानी की क्वालिटी बेहद ही खराब है, जो बिल्कुल पीने लायक नहीं। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जमीन में पानी का स्तर नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से नहरी पानी पर आश्रित होना पड़ता है। सर, ऐसा है कि चरखी दादरी में पीने का पानी की बहुत भारी समस्या बनी हुई है। काफ़ी सालों से समस्या बनी हुई है। ऐसा कि हर इंसान को 600 रुपये में पानी के पीने के लिए टैंकर का मंगाना पड़ता है। गरीब आदमी जिसके पास में पानी की टंकी नहीं, वो पानी कहाँ से भर करके पिएगा? और जो प्रशासन है वो 2 या 3 दिन के अंदर है ना अपना पानी मुहैया कराती है हर वार्ड के अंदर, शहर के अंदर। और जैसे अपने ये इसका कपूरी वाटर टैंक का पानी आता है हमारे यहाँ पर, वो चिड़िया मोड़ से लेके और जहाँ तक आखिरी जो इसका पाइप लाइन है मेडिकल के बैक साइड में, वहाँ से पूरी लाइन डैमेज है। पानी की बहुत किल्लत बनी हुई है, पानी की मतलब बहुत स्थिति खराब चल रही है। उसमें सीवरेज की मिक्सिंग आती है और कई घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और उस समस्या से बहुत लोग दुखी पा रहे हैं। कोई मतलब 300 रुपये का टैंकर गिरवा रहा है, कोई 200 रुपये का टैंकर गिरवा रहा है पानी का, तो उसमें ज़्यादा बहुत मतलब ख़राब स्थिति है पानी की। और कई घरों में तो सर ऐसा है कि पानी बिल्कुल ही नहीं पहुँचता। वहाँ पर मैं खुद कई बार वहाँ पर खुद मैं खड़ा होकर 200-300 का टैंकर लेकर और उनको 20-30 जो भी घर हैं उनमें पानी पहुँचा के आता हूँ। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी की वो बनी हुई है, मतलब लोगों तक बहुत ज़्यादा कम पानी पहुँच पाता है। तो पीने लायक थोड़ा बहुत है, मतलब थोड़ा बहुत मिक्सिंग आता है पानी सीवरेज का। हाँ, तो आप सरकार से मैं ये अपील करूँगा कि नाम करीब जो है हमारा पानी का जो सिस्टम है, जो थोड़ा मतलब सही व्यवस्था बनाए उसकी, जो लोगों तक पानी पहुँच सके। जिन लोगों तक पानी नहीं जा रहा है वो पानी लोगों तक पहुँचे। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गांव में पानी की समस्या है वो बहुत ही जोरों पर है, और ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में। हमारे गांव में नहरी पानी के द्वारा आपको दिखाई दे रहा होगा वाटर वर्क्स बना हुआ है, इसी के पानी को फिल्टर करके गांव में प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाता है। परंतु कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि पानी की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल ही निम्न है। अगर बात करें कि इसके TDS वगैरह की, तो उसको तो आप भूल ही जाओ, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस सारे कार्य को देखते हुए हम एक बार SDO साहब चरखी दादरी से मिले भी थे, उनको हमने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी कि गांव में जो फिल्ट्रेशन जो होता है, जो फिल्टर होता है, एक वज्रपुर टाइप का एक केमिकल डाला जाता है जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था समस्त ग्रामवासियों को कि हम इसको बिल्कुल जल्द से जल्द चेंज करवा देंगे, परंतु ऐसा धरातल